नमस्कार, लगातार लाइव पेज में आपका स्वागत है। मैं हूँ विनीत उपाध्याय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हम इस वक्त रांची के मोराबादी इलाके में खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स की दबिश हुई है। इनकम टैक्स की ये टीम रांची के राधा कृष्ण अपार्टमेंट पहुँची हुई है और यहाँ पर जो ये आईटी की टीम है वो लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। कई जगहों पर आईटी की टीम के द्वारा छापेमारी की हुई है और उसी कड़ी में इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग की टीम यहाँ रांची के मोराबादी स्थित राधा कृष्ण अपार्टमेंट पहुँची हुई है और यहाँ पर आईटी की टीम की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि ये पूरा निर्माण, ये जो जितनी भी बिल्डिंगें यहाँ पर निर्माण की गई हैं वो बजाज कंस्ट्रक्शन के द्वारा निर्मित की गई है और इसमें काफ़ी तरह की अनियमितताओं की बात आ रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस अपार्टमेंट में इस वक्त हम खड़े हैं, जिस बिल्डिंग में आयकर की टीम पहुंची हुई है छापेमारी करने के लिए, उस बिल्डिंग में ही रांची के पूर्व रजिस्ट्रार अविनाश कुमार का भी घर है। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है कि जिस व्यक्ति का नाम रांची के सबसे चर्चित जमीन के मामले में आया, खाता नंबर 119 में लगातार हमने इस पूरे मामले को काफ़ी प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था, उसके बाद अब आईटी की दबिश हुई है और आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कई दस्तावेज यहाँ पर बरामद किए गए हैं, जो यहाँ कर्मचारी हैं और इस अपार्टमेंट की जो कार्यालय है वहाँ के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि वो तस्वीरें भी दिखाएँ आपको। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे से ही आयकर की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और दबिश की जा रही है। यहाँ पर कई कागजात संभाले जा रहे हैं और कई बिंदुओं पर आयकर विभाग की टीम अपनी जांच कर रही है और जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके अलावा शाकंभरी बिल्डर्स, कोसी बिल्डर्स और एक और बड़े बिल्डर के यहाँ रांची में आयकर की टीम ने कार्रवाई की है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।